रिकॉर्डिंग। बेटा फोन तो हर जगह होता है, क्लास लगा लिया कर, ठीक है। मिस मत किया, अगर मैंने बोला था वो चैप्टर मिस मत करो, दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई ना, अब आ जाओ। तो 32 का आंसर यहाँ पर कोई करेक्ट है नहीं, 33, ठीक है। टेपटम इज अ पार्ट ऑफ, अब जो टेपटम है। हाँ विशाल बोलो। आंसर बताने के लिए किया था। अरे मुझे आंसर नहीं चाहिए, आंसर तो तुम सब लगा के आए हो ना। संडे को पेपर था तुम्हारा, आंसर शीट भी भेज दिया मैंने, तो आई थिंक आंसर तुम्हारे पास है। मैं तो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, जिसको डाउट है क्वेश्चन में वो फिर पूछ लेना। ये ऐसे कर रही हूँ मैं डिस्कस, ओके। आंसर तो मुझे पता है, मैं करके आए होंगे। ऐसा कर लूँ, जिसको पहले डाउट है वो ले नहीं लो, बाद में ऐसा कर लो। नहीं पेपर पूरा डिस्कस होगा एक ही बारी में, यस पेपर एक बारी में पूरा डिस्कस होगा एक बार, क्योंकि मेरे को सारा पेपर डिस्कस करना है, ठीक है। तुम्हारे मैम, डाउट्स पूरे हो गए तो तुम जा सकते हो। मैम ऑलराइट, हाँ बोलो बोलो मोहित, क्या बनाना का एक वो तो चालू, उसमें सीट कैसे बनता है? हम चीज की बनाने में सीट कैसे बनता है? बनाना में सीट कैसे बनता है? जिस तरीके से सीट फॉर्मेशन होती है उसी तरीके से सीट फॉर्मेशन होती है, जैसे किसी भी एंजियोस्पर्म में होता है। क्वेश्चन लेकिन पूछ रहा है मैम, फ्रूट कैसे बनता है उसमें? फ्रूट कैसे बनता है? बनाना का फ्रूट कैसे बनता है? विदाउट सीड फॉर्मेशन बनता है ना? क्यों पूछना क्या चाहती है बेटा? उसमें फर्टिलाइजेशन होती है क्या? नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी ना, जब सीड फॉर्मेशन नहीं हो रही थी तो सीड के बिना ही वो फ्रूट बन जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होती। मैंने कहा ना, बनाना का जो फ्रूट है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बना है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जब भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन थोड़ी होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी उसमें, ठीक है। ओके, तो नाउ द टेपटम इज अ पार्ट ऑफ, अब जो टेपटम है वो किसका पार्ट है? तो टेपटम हमने पढ़ा था मेल के केस में, एंजियोस्पर्म में। सब चुप रहना, जब मैं पूछूंगी तब बोलना, अदरवाइज कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आएगा उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आना। तो जब हमने मेल पढ़ा था और मेल का पार्ट पढ़ा था एंथर, तो एंथर की वॉल्स पढ़ी थी। अब हाथ खड़ा करके बताओ एंथर की वॉल के नाम किसको आते हैं? रेज योर हैंड। रिया यस बोल बेटा, मैम, बाहर वाली लेयर, एपिडर्मिस, उसके अंदर, एंडोथीशियम, मिडल उसके अंदर, लेयर, उसके अंदर। टेपिटम। गुड, वेरी गुड। तो बिल्कुल साथ में लगी होती है सर्कल के, टेपिटम। गुड, तो ये चार लेयर होती है जो एंथर की वॉल की होती है, तो आंसर वुड बी डी। कोई ये कंफ्यूज मत होना कि मेल गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट किसको बुलाते हैं? रेज योर हैंड। नीता, हर्ष, माइक्रोस्पोर एंजियम। पोलन ग्रेन लिखवाया भी था। तो पोलन ग्रेन मैम की लेयर नहीं होती, पोलन ग्रेन की लेयर जो होती है वो बाहर वाली लेयर होती है एग्जाइन, और अंदर वाली लेयर होती है इंटाइन, है ना? तो उसकी बात नहीं हो रही है, सारे हाथ नीचे कर लो, ठीक है। ये पूछ रहा है टेपटम किसका पार्ट है, वो एंथर की वॉल का, तो आंसर वुड बी डी। इसका गलत आंसर ए हो सकता था, किसी ने कर भी दिया होगा, पर इसका आंसर डी होगा, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट है, मतलब सेकंड चैप्टर का पार्ट है। ओके, क्लियर? यस, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। हाथ नीचे कर लो ताकि जिससे मैं पूछूं वो बताए। इन एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट विद 24 क्रोमोसोम इन इट्स पोलन मदर सेल। जब भी मैं मदर सेल बोलूंगी, मतलब ये ऐसा सेल है जिसके अंदर अभी मियोसिस नहीं हुई है, यानी कि जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डबल है, 2:1 कंडीशन है। मदर सेल बोला ना मैंने, तो 2:1 कंडीशन है। मदर सेल के बाद बनते हैं हमारे, मियोसिस होती है, और जो भी सेल बनेगा उसमें एन कंडीशन होती है। ये बात क्लियर है सबको? पोलर मदर सेल में क्रोमोसोम है 24, और ये क्रॉस होता है विद फीमेल प्लांट बेयरिंग 24 क्रोमोसोम इन रूट सेल। अगर ये उसके रूट के सेल है, तो रूट का सेल भी तो डाइप्लॉइड ही होगा ना, हैप्लॉइड क्यों होगा? सिर्फ उसके एग है जो हैप्लॉइड होना चाहिए, राइट। तो रूट का सेल भी 2n होगा, दैट इज 24 क्रोमोसोम। यानी कि दोनों प्लांट में, अगर मैं यहाँ लिखूं, मेल के पास भी 24 क्रोमोसोम, फीमेल के पास भी 24 क्रोमोसोम। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एम्ब्रियो? एम्ब्रियो बनने के लिए दोनों में फ्यूजन होनी है, तो अगर इसका नॉर्मल सेल ये है 2n वाला, तो पहले तो ये n होगा मियोसिस करके, तो 24 का हाफ कितना होगा? 12 24 का हाफ 12, तो मेल भी 12 देगा और फीमेल भी 12 कंट्रीब्यूट करेगा। 12 12, ये है मेल का पोलन ग्रेन और ये है फीमेल का एग, तो जब इनमें फ्यूजन होगी तो बनेगा एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कितने नंबर का बनेगा? 12 + 12 इज
24 होगी प्लॉइडी एम्ब्रियो की, दैट इज 2n, ठीक है, तो 24 एम्ब्रियो का नंबर होगा, तो 24 24 24, यानी कि आंसर मेरा सी तो नहीं हो सकता. एंड एंडोस्पर्म का क्या नंबर होगा? तो हमें पता है एम्ब्रियो का जो भी नंबर है वो ठीक है, एंडोस्पर्म में तीन, मैंने बोला अभी चुप, एंडोस्पर्म में तीन फ्यूज करेंगे, है ना. तो पहले अगर तुमको याद है थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से हम बनाते थे ना फीमेल के बॉडी में, तो सेंटर में जो पहले न्यूक्लियस पड़े होते थे, दो पड़े होते थे, दो पोलर न्यूक्लियस जिनकी प्लॉइडी होती थी एन एन एन, एन प्लस एन. एक एन अगर 12 है तो 2n हो गए 12 12 24 24, ठीक है. अब एक मेल गेमिटोफाइट, एक मेल गेमिटोफाइट आके इससे फ्यूज करेगा, ऐसे होता है ना फर्टिलाइजेशन में. तो तुम्हें क्या करना है इसके बाद, ये तीनों जब फ्यूज हो जाएंगे एंडोस्पर्म बनेगा ना, तो 24 प्लस 12 वुड बी 36 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको मिलेंगे एंडोस्पर्म में. इसमें गलती पता क्या हो सकती थी, आप गलती से बाय चांस 24 में प्लस 24 कर देते, पर याद रखना 24 नहीं आएगा, एक मेल गैमेटोफाइट आएगा जो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है, बस इसका ध्यान रखना था. ये गलती हुई होगी, अगर किसी की ये इसमें गलती हुई भी होगी तो. एक सेकेंड दो, ये खुल गया गलती से, ठीक है जी. सो एंडोस्पर्म होगा हमारे पास 36, राइट. सो आंसर वुड बी डी. समझ में आया कैसे हुआ ये? ठीक है. Moving to question number 35. With respect to angiosperm, angiosperm के respect में बात कर रहे हैं. Angiosperm होते क्या? Raise your hand. तनु, angiosperm क्या होते हैं? Flowering plants. Flowering plants. Good. Identify the incorrect pair of following. तो इस question में सबसे पहले मैं क्या करूँगी, विशाल? मैं underline incorrect को. Incorrect को underline करूँगी. मुझे incorrect ढूँढना है. गलत वाला क्या है? ठीक है. Good. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राजकुमारी, 3n होता है, पेन की प्लॉइडी 3n होती है, करेक्ट. ये ट्राइप्लॉइड होता है ना, सही है. ये वाला पूछ रहा है उसने, यही पूछ रहा है. सेंटर में तीन न्यूक्लियस फ्यूज करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो पेन ही होता है. ओके. एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स क्यों होते हैं? इन्हीं में जो साइड में ऊपर पड़े होते हैं जिनका हमें कोई काम नहीं पता. एंटीस्पोडल सेल्स की प्लॉइडी क्या होती है मोहित? मैम हैप्लोइड. हैप्लोइड जो होते हैं ये, यानी कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम के होते हैं. और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है, बिकॉज जब मैंने एम्ब्रियो सेक बनाया था, मैंने तब भी बनाया था, इनकी प्लॉइडी पता होनी चाहिए. ये 3n, यहाँ पे जो तुम्हारा जायगोट बनेगा दैट वुड बी 2n. इसके अलावा जो सिनर्जिड्स होंगे, यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स आते हैं, वो ईच एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम के होंगे. एंटीपोडल सेल्स भी एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम के होंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है. ओके. और यहाँ पे आ भी गया, तो ये होगा एन ना कि 2n, तो ये हमारा इनकरेक्ट है. यस मैम. सेल्स ऑफ द न्यू सेल्स ऑफ ओव्यूल 2n होते हैं, बिल्कुल. इन्हीं में आगे मियोसिस होते हैं और उससे हमारा एम्ब्रियोसैक बनता है. वेजिटेटिव सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट 5n होता है, ठीक है. तो आंसर वुड बी, इनकरेक्ट ढूंढना था, आंसर वुड बी बी. चलो, किसी को कोई डाउट इसमें तो बताओ. नो मैम. डाउट है वो बताओ, जिसको नहीं है वो चुप हो जाओ. मैम सेल ऑफ न्यू सेल इज ऑफ ओव्यूल की क्या है मतलब? जब हम लोग फीमेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना. यस मैम. तो फीमेल की बनाते हैं ना स्टिग्मा, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद ओवरी. ओवरी के अंदर आप ओव्यूल बनाते हो, ये इसका फ्यूनिकल से अटैच होता है, ये ओव्यूल. तो ओव्यूल जो होता है ना, उसके सेंटर में बहुत सारे सेल्स पड़े होते हैं, ये वाले. इन सेल्स को हम बोलते हैं न्यू सेलस. न्यू सेलस इज ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है. तो इनकी जो प्लॉइडी होती है वो होती है 2n. फिर इनमें से एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, उसके अंदर मियोसिस होना स्टार्ट हो जाता है और वो फिर एन बना देता है. तो न्यू सेल्स की प्लॉइडी 2n ही तो लिखी है यहाँ. किसी को कोई डाउट? जिसको डाउट है वो हाथ खड़ा करो, बाकी चुप. हाँ मोहित. न्यू सेल्स कवरिंग होती है? नहीं.
ये जो बीच में ओव्यूल बनाया ना, ये जो बीच में सेल्स है ना यहाँ पर, ये वाले सेल्स, इन्हें न्यू सेल्स कहते हैं। दीज आर द सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। जो कवरिंग होती है वो ये होती है साइड में, इसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, ओके। हाँ राज बोलो, कोई नो मैम, डाउट? हाथ नीचे करो फिर। थ्री एंटीपोडल्स को अगर इकट्ठा बोलना तो 3N बोल सकते हैं। नहीं, एंटीपोडल सेल इंडिविजुअली पूछा जाएगा, 3N थोड़ी बोल देंगे। ऐसे सम करने लग गए तो फिर तो पता नहीं कितने हो जाएंगे, प्लॉइडी नहीं बदलती। यस मैम। रिया को डाउट है? नहीं, मैम मैं किसी को डाउट है? नो मैम नो मैम ठीक है, सबके हाथ नीचे। नो। मूविंग टू द 36th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉट ट्रू फॉर डबल फर्टिलाइजेशन। तो ट्रू नहीं है, देखो, यानी कि फॉल्स ढूंढ रहा है। तो ये भी डबल फर्टिलाइजेशन पे था, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे, ये भी। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के अगेंस्ट है जो, हमें वो बताना है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन वर डिस्कवर बाय नॉशिन, ये तुम्हें नहीं पता था पर ये सही है। मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूसेलस फ्यूज टू फॉर्म एंडोस्पर्म, बिल्कुल, सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गेमेटोफाइट फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है। अभी हमने यही बनाया था, यहाँ पर ये सेकेंडरी एंडोस्पर्म ही था। ये दोनों जब फ्यूज करते हैं तो इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म कहते, सेकेंडरी एंडोस्पर्म कहते हैं, और फिर ये पेन बनाता है। एंडोस्पर्म इज डाइप्लॉइड, एंडोस्पर्म इज ट्राइप्लॉइड, हमने ऊपर ही किया अभी। यो मैम, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमें ढूंढना था इनकरेक्ट, आंसर वुड बी सी। जिसको डाउट ठीक है वो हाउस हाथ रेज करो, बाकी नीचे रखो। नहीं तो इसमें तुम क्या अपने नोट्स में अपडेट करोगे कि डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किसने की थी? नॉशियन ने। ये ऐड करो, ये लाइन सारे स्टेटमेंट वन ऐड कर लो अपने नोट्स में। बुक लेके बैठे हो ना? मैम। मूविंग ऑन। इफ देयर आर 1 to 8 0 माइक्रोस्पोर इन ए टेट्रालोकुलर एंथर, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल विल बी देयर इन ईच ऑफ इट्स पोलन चेम्बर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी से सॉल्व नहीं हो रहा था तो उसको छोड़ के आना था। तो कितने लोगों ने किया ये क्वेश्चन? ठीक है, जिससे ना हो वो क्वेश्चन पे अपने नेगेटिव मार्क करने नहीं होते, ठीक है। चलो, इफ देर आर 1 to 8 0 माइक्रोस्पोर इन टेट्रालोकुलर एंथर, माइक्रोस्पोर बनते हैं एनप्लॉइडी वाले। अगर तुमको याद हो तो हम पहले करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है उसमें हो जाती है मियोसिस 1 एंड 2, और उससे चार सेल बन जाते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहते हैं, या फिर हम उसे सिंपली माइक्रोस्पोर कहते हैं, जिनकी प्लॉइडी होती है एन हर की। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जो आपने मेल में पढ़ा होगा, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा उन्हें आता होगा। ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं माइक्रोस्पोर इन ए टेट्रालोकुलर एंथर, टेट्रा मतलब चार, तो ऐसा एंथर जिसमें चार चेंबर बने हैं, चार चेंबर बने हैं, उसके अंदर कितने माइक्रोस्पोर बने हैं, पड़े हुए हैं लगभग 1 to 8 0 माइक्रोस्पोर पड़े हैं। तो इसने पहले नंबर बना दिया हमें, 1 to 8 0 पड़े हैं। हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल विल बी देयर, वो तुमसे पूछ रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो मुझे बताओ, अगर माइक्रोस्पोर 1 to 8 0 है तो सोच के बताना माइक्रोस्पोर मदर सेल का नंबर ज्यादा होगा 1 to 8 0 से या कम होगा? कम होगा। जब भी तुम्हें किसी का नंबर कम करना होता है, मल्टीप्लीकेशन करोगे डिविजन? तो कुछ नहीं करना, चार तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंपली करना है एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर बनते हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर को 1 to 8 0 को डिवाइड कर दो 4 से। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल चार माइक्रोस्पोर बनाता है, तो 1 to 8 0 डिवाइडेड बाय 4 करो, क्या आएगा आंसर? C20 ठीक है, 320 माइक्रोस्पोर मदर सेल मिल गए तुम्हें, 320 माइक्रोस्पोर मदर सेल इन ईच। अब तुमको ये ईच चेंबर में निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ चेंबर कितने हैं? 4 से इनटू करो 320 को, आंसर वुड बी 80, आंसर वुड बी 80। वैसे ऐसा टाइप का इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन काफी टाइम से मैंने देखा तो नहीं। मैम आपने करवाया था ऐसा क्वेश्चन क्लास में? अच्छा, वैसे इतने टाइम से मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं, बट बाय चांस आ सकता है, तो अब तुम्हें क्लियर है ना?
कि क्या करोगे, ऑपोजिट भी आ सकते हैं, माइक्रोस्पोर्स पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, तभी तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो ये बिल्कुल जैसे आपने किया है वैसे लास्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप में आना है। रिवर्स चल जाइए। यस मैम। बस ये देख लेना वो पूछ क्या रहा है और थोड़ा तुक्का भी मार लेना। अगर वो माइक्रोस्पोर से माइक्रोस्पोर मदर सेल पूछ रहा है तो नंबर कम ही होगा ना, और वो तुम्हें ज्यादा कैलकुलेशन देगा नहीं। क्यों? क्योंकि बायो में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और सारे स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, तो ये कहने के लिए तो ये कहने के लिए तो बहुत इजी है कि यार बायो तो इजी है, स्टेटमेंट ही पढ़नी है। लेकिन तुमको सोचो चार स्टेटमेंट पढ़नी, उसमें चार कॉन्सेप्ट को सोचना, फिर उसके बाद उसको लगाना, ये इजी टास्क नहीं है। क्वेश्चन टेक्स टाइम, इसलिए नीट का पेपर भी 3 घंटे 20 मिनट का हो गया, क्योंकि इट इज टाइम कंज्यूमिंग, है ना। यस मैम। इस वजह से वो तुम्हें ज्यादा कैलकुलेशन देंगे ही नहीं। बेसिक मल्टीप्लीकेशन और डिविजन बिना कैलकुलेटर के हो जाए और तुम्हें 1 मिनट से ज्यादा ना लगे, इतनी ही कैलकुलेशन आती है। ठीक है, हो जाए ठीक है, अगर नहीं हो रहा ना तो छोड़ देना, नेगेटिव मत करके आना। तुम्हारा टारगेट कैलकुलेटर ले जाना के अलाउड है? नहीं, अलाउड नहीं है ना, लेकिन कुछ बच्चे फंस जाते हैं। पर जेई के पेपर में तो अलाउड है ना? जेई नीट नहीं है ना, जेई जेई है, नीट नीट है। जेई 2 बार होता है साल में, नीट 1 बार होता है। जेई में मैथ्स आता है इसलिए जरूरी होता है। हां, उसमें अगर कैलकुलेशन नहीं होगी तो कैसे करेंगे बच्चे? फिजिक्स में कैलकुलेशन होती है बहुत ज्यादा, और केमिस्ट्री में भी होती है ऑलमोस्ट। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े। मैंने कहा ना अभी फिजिक्स, नीट की फिजिक्स केमिस्ट्री की मैथ्स तो इजी होती है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं कि नीट में इतनी ही कैलकुलेशन आएगी कि तुमसे बिना कैलकुलेटर के हो जाए, अगर नहीं होगी तो फिर वो डालेंगे नहीं, और अगर वो फिर भी डालता है तो तुम्हें वो क्वेश्चन छोड़ कर आना है। सिंपल, जहाँ फंस जाओ मैं समझ जाना कि ये क्वेश्चन छोड़ के आना है। सिंपल सी, सिंपल बंदा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, सिलेक्ट द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तुमको करेक्ट भी ढूंढने, इनकरेक्ट भी ढूंढने, ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंडरलाइन करने के बाद ऊपर ही सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट को, राइट राइट। ऐसे सब बोलोगे ना तो किसी को सुनाई नहीं देगा, फायदा क्या, ऐसे टाइम खराब होगा हमारा। तो ऊपर सॉल्व करते हैं इसको। तो टेपटम नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन, रेज योर हैंड ना, अनामिका ये सही है, टेपटम डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है। रिया? यस मैम। ठीक है, कह रही है सही है। हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ये बात सही है विशाल? यस मैम। ओके कैलाशो, इन एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिन एंड वाटर लिली पॉलिनेशन बाय वाटर होती है? नो मैम। नहीं, किसके थ्रू पॉलिनेशन होती है? विंड और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्राइप्लॉइड, ऐसा है रुशिल? रुशिल यस मैम, बिल्कुल सही है ना। तो हमें करेक्ट और इनकरेक्ट ढूंढना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास सिर्फ थर्ड, तो थर्ड इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट इसमें नहीं है, कर दो। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, तो आंसर वुड बी बी। अब एक एक करके करते तो दिक्कत होती है, हमने ऊपर सॉल्व कर लिया तो इजी हो जाएगा, है ना। तो आंसर वुड बी बी। गुड, हाथ नीचे कर लो। Now, which of the following advantages seed offer to angiosperm? Angiosperm में seed आ गए, ठीक है? तो seed आने से क्या advantage मिल गया angiosperm को? उसको क्या उससे profit हुआ? ये तुमसे पूछ रहे हैं। नीट वालों को ना seed बहुत पसंद है, ठीक है? तो seed क्या होते हैं, उनके types क्या होते हैं, उसके advantages क्या है, वो कौन से phylum में सबसे पहले आए, ये basic question है, ये जान के जाना। ये पूछते हैं बार बार, they actually like seed a lot, right? So, गरिमा बताओ, अगर सीड है तो जनरेट वेरिएशन, सीड वेरिएशन जनरेट करते हैं? नो। देखो, जो सीड है वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोडक्ट है ना, है ना। तो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट आ जाता है ना, वो वेरिएशन ऑफर करता है। पेरेंट और मेल और फीमेल का जब भी जेनेटिक मटेरियल फ्यूज होगा तो उसमें वेरिएशन आएगी, क्योंकि अगर आपने मियोसिस पढ़ा है तो उसमें रिकॉम्बिनेशन का एक प्रोसेस होता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में आता है, ऑर्गेनिज्म में आता है। तो सीड वेरिएशन को ऑफर करते हैं। सारे हाथ नीचे कर लो। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, बिल्कुल होता है,
अब जो सीड बेरिंग प्लांट है उसमें जो सीड है उसको कहीं पे भी सो करोगे, सही कंडीशंस होगी तो पूरा प्लांट आ जाएगा ना, तो रिप्रोडक्शन को वो सपोर्ट कर रहा है, तो वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है, उस अकेले से पूरा प्लांट फॉर्म हो सकता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रेजिस्टेंट सीड कोट, सीड के पास खास पात होती है, उसके बाहर सीड कोट होता है, तो अंदर का ऑर्गेनिज्म वो सेव रखता है। अभी माइक बंद करो, ठीक है। तो रेजिस्टेंट सीड कोट इसके पास होता है, ये इसकी एडवांटेज है, हार्श एनवायरमेंट को सर्वाइव कर सकता है। डिस्पर्सल यूनिट, सीड उठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कैसे, विंड के साथ या फिर एनिमल की बॉडी के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। कोई एनिमल जैसे हर्बीवोर्स होते हैं वो खाते हैं ना, तो वो सीड भी खा जाते हैं, फिर जहाँ पे वो पूप करते हैं, ठीक है, उनका पूप वहां पे जाके जब डिग्रेड होता है तो वहां पे वो सीड को मिट्टी तक पहुंचा देता है और वहां से प्लांट आ जाता है। तो एनिमल स्टूल के थ्रू, एनिमल फीसिस के थ्रू बहुत ज्यादा पॉलिनेशन होता है। तो डिस्पर्सल यूनिट तो है ये, प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। स्ट्रेस टॉलरेंट, बिल्कुल सीड स्ट्रेस टॉलरेंट होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होगी तभी उससे प्लांट निकलेगा, पहले नहीं निकलेगा। सारी स्टेटमेंट सही है ना? सो ऑल ऑफ योर आंसर वुड बी डी। ये पॉइंट समझ में आया सबको, जनरेट वेरिएशन कैसे हुआ? इसमें सबसे जो वियर्ड था वो यही पॉइंट, क्योंकि हम लोगों ने क्या है मोर्फोलॉजी एनाटॉमी साथ नहीं पढ़ी ना, तो मुझे पता नहीं कि तुम्हें कितना पता है, राइट? देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लंबे होते हैं, इतने टाइम लगता है हमेशा। और देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो ढूंढनी हमें, तो रेज योर हैंड, कौन मदद करेगा? ठीक है, तो पायल बताओ, एंडोथीशियम लाइ बिलो एपिडर्मिस? यस। ये देखो ये पिक्चर बनाई थी ना हमने ऊपर, और उसने इतने अच्छे से बताया था हमें, एपिडर्मिस होती है फिर एंडोथीशियम होती है, सेम उसी पे एक और क्वेश्चन आ गया। तो अगर पिछले वाला क्वेश्चन ढंग से आ गया होता तो हमें ये वाला क्वेश्चन हमसे हो जाता, इसलिए क्वेश्चन एनालिसिस जरूरी होता है। फ्यूजन ऑफ एग विद मेल गैमेट, नहीं आ रही देखो, नहीं आ रही, हम आ रही है, कोई बात नहीं, बीच में हो जाता है। हम स्क्रीन स्टॉप हो गई है, मैंने कर रहा है, अभी आ रहे हैं। एग विद मेल गैमेट इज कॉल्ड एपोगैमी। मेल गैमेट से जब भी गैमेट फ्यूजन होती थी तो प्लांट में उसको क्या बुलाते हैं? ये इनकरेक्ट हो गया। अब अनामिका, सिनर्जीज आर हैप्लोइड, सिनर्जी हैप्लोइड होते हैं। रिया, नो मैम, यही वाली पिक्चर बनाई थी ना, और यहाँ पे मैंने दो सिनर्जी सेल बनाए थे, सब बंद, दोनों सेल इंडिविजुअली हैप्लॉइड होते हैं ना, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पूजा, पॉइंट एट विच फ्यूनिकल टचेस द ओव्यूल इज माइक्रोपाइलर? यस मैम। ओके, ओके, माइक्रोपाइलर क्या होता है उर्वशी? मोहित, एनीवन? ओवरी का एंड तो नहीं होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल, ओव्यूल और ओवरी में, सारे चुप, ओव्यूल और ओवरी में बहुत ज्यादा फर्क है, और ये लगातार गलत बोल रहे हो, अब तो मुस्ता दिला रहा हूँ, ये ओवरी है बाहर वाली, space in which pollen tube enter. It is a space जिसके थ्रू pollen tube enter करती है, small opening होती है, ये वो जगह है जहाँ पर integuments absent होते हैं, integuments यहाँ पर absent होते हैं, ऐसे हम define करते हैं micropylar end, it is an end जहाँ पर integument absent होते हैं, यहाँ से pollen tube enter करेगी, ये है micropylar end, तो ये point at which the funicle touches the ovule होता है, यहाँ पे funicle touch करता है ovule को? ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी हमें, तो ए और थर्ड स्टेटमेंट सही लग रही है, आंसर वुड बी डी, ऑप्शन डी। समझ आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बहुत अच्छे से याद था उससे तो ये पेपर हुआ होगा, जिसको याद नहीं था उससे नहीं हुआ होगा, तो ये तुम्हारे रिविजन पे तुम कैसा करके गए थे। चलो भाई, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है मुझे, राइट? तो हर्ष, पेरिस्पर्म इज अ पर्सिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड ऑफ ब्लैक पेपर, सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट ए सही है या गलत? तो बोलेगा नहीं तो क्या हो गया, मतलब इनविजिबल हो गया,
दीक्षा मैम सही है। सही है, ये एनसीईआरटी की है ये स्टेटमेंट। अगर तुम्हारे घर में ब्लैक पेपर है जिसको हम क्या कहते हैं काली मिर्च, तो काली मिर्च को अगर तुम तोड़ोगे तो उसके अंदर व्हाइट व्हाइट सा दिखेगा, वो व्हाइट व्हाइट सा पेरिस्पर्म होता है, रिमेनिंग पेरिस्पर्म रह जाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, ये नोट्स में भी कराई थी, तो ये स्टेटमेंट सही है, ए सही। नाउ बी, सिंगल लार्ज, ये हमारे साथ की मदद करेगा, सिंगल लार्ज कॉटिलीडन इन ग्रास इज सिचुएटेड टुवर्ड द लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस। सही बात है, यस मैम, बिल्कुल सही बात है। यस जो कॉटिलीडन होता है, मैम, फिर बोल रहे हो, हाथ खड़ा करो, सबसे पूछ रही हूँ ना मैं, हाथ खड़ा ऐसे पीछे मत बोलो ऐसे। देखो जो मोनोकॉट होते हैं और डाइकॉट होते हैं उनमें सेंटर की तरफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती थी और साइड में कॉटिलीडन है, तो साइड को हम हमेशा बोलते हैं लेटरल। ठीक है, मोनोकॉट के केस में एक ही लेटरल साइड पे, मतलब एक ही साइड पे आपको कॉटिलीडन मिलेगा, डाइकॉट में आपको दोनों तरफ मिलते थे, तो स्टेटमेंट सही है। नाउ सरला, सीड्स आर द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सीड पे डिपेंड करता है, सही बात है, मैम बिल्कुल सही है, बिना बीज के बोएगा क्या किसान, सही है। अच्छा मोहित, सिट्रस हैज ओनली वन एम्ब्रियो इन सीड, नो नहीं यार, सिट्रस में बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं सीड्स के अंदर, ठीक है, तो सिट्रस में ये नहीं होता, ये है जो बिल्कुल बाहर का हो गया, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर ये चैप्टर आपको मोर्फोलॉजी से मिक्स करके आता है, तो मोर्फोलॉजी से सिट्रस का पॉइंट उठाया है, तो मे बी ये ना आता हो, दैट इज फाइन, पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट मिल गई एबीसी, तो आंसर होगा हमारा एबीसी, सी वुड बी द आंसर। सी ठीक है जी, चलिए सी मूविंग ऑन। चलो जिसको इसका आंसर आता है रेज योर हैंड। द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल, ह्यूमन के मेल में, जो ह्यूमन मेल है उसमें वैसी वाली डक्ट जो जिससे यूरिन भी जाता है और जिससे सीमन भी जाता है, उस डक्ट को हम क्या बुलाते हैं, ये हमें बताएगी नीता, NITA, नीता, क्या बुलाते हैं उसे, नाम यूरेथ्रा, यूरेथ्रा बुलाते हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो ए फॉर यूरेथ्रा, यूरेटर नहीं बुलाते, यूरेटर हम किसको बुलाते हैं तन्नू, हम जो यूरिनरी ब्लैडर, हम जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक डक्ट जाते हैं, हाँ, जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक दो दो डक्ट्स जाती है ना, उनको बुलाते हैं यूरेटर। ठीक है, तो यूरेथ्रा और यूरेटर में ही कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा, गलत मत करना, याद रखना ध्यान से, यूरेथ्रा, ओके, यही मैम, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है इसलिए मैं बार बार अंडरलाइन कर रही हूँ। चलो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनिक स्टेजेस लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन इन मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस, स्पर्म फॉर्मेशन की सीक्वेंस ही आपसे पूछ रहे हो, जो मैंने 1,000 करोड़ बार लिखवाई थी, क्योंकि ये बार बार आती है, तो ये हमें अनामिका मदद करेगी कि अनामिका स्पर्म फॉर्मेशन के लिए सेल सबसे पहला कौन सा होगा जिससे प्रोसेस स्टार्ट होगा, नाम पहले सेल का क्या नाम होगा, राजकुमारी क्या नाम होगा, मैम रिपीट करना, उस सेल का क्या नाम होगा जिससे स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, मैम स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया है ना, तो मेरा ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, स्पर्मेटोगोनिया, और लास्ट में इस प्रोसेस के एंड में जो सेल बनेगा उस सेल का नाम क्या होगा रिया, रिया इतनी सारी हमारी क्लास में क्या, एक रिया दिख रही है मुझे, रिया शर्मा, मैम स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, राइट, तो ये रहा स्पर्म, इसमें लास्ट में स्पर्म है, इसमें स्पर्मेटिड है, ये नहीं हो सकता, इसमें स्पर्मेटिड है, ये नहीं हो सकता, तो आंसर वुड बी डी, 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 काफी क्लियर था, तो मैंने कहा था ना जब भी सीक्वेंस आएगी पहले और लास्ट अल्फाबेट देख लेना, अगर वो सही है तो तुमको वैसे ही आंसर मिल जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, राइट, यो यो मैम, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन इज वेल बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, ठीक है, ये है तुम्हारा कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस, और मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन क्यों डाला गया और ये पूछा क्यों जाता है, क्योंकि इतना डिटेल में तो कोई पढ़ाया ही नहीं जाता, तुम क्यों इसका आंसर करोगे, पर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, यार ये तो ज्यादा है, इसको ऐसे समझो इंग्लिश में इंडक्शन का मीनिंग क्या आता है, हाथ नीचे करो थोड़ी देर, इंग्लिश में इंडक्शन का मीनिंग क्या आता है मैं को बता दो, इंडक्शन वर्ड
बहुत बढ़िया, कभी मत मैम बताना। ऐसे इंडक्शन के हर सब्जेक्ट में अलग अलग मीनिंग्स होंगे ना? बायोलॉजी में थोड़ा अलग होता है चीजों का, मतलब ऐसे समझो सो कि इंडक्शन मतलब इंड्यूस करना, मतलब किसी को स्टिमुलेट करना, ठीक है, इसे इस तरीके से समझो। ये बहुत ही ज्यादा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात हो रही है जो तुम्हारे सिलेबस और स्कोप से बाहर है, कितने डिटेल में आपको कराते भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। तो मे बी किसी बहुत पुराने नीट के पेपर में शायद ये क्वेश्चन आता हो, मुझे याद नहीं है, तो 90s के टाइम में शायद क्वेश्चन आता होगा, मे बी तब ऐसा कुछ तो पढ़ाते मैम भी हो। इसे इग्नोर कर दें अभी के लिए। जब क्वेश्चन आ गया तो मेरे से तो सुन जा कि इंडक्शन है तो इंडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को स्टिमुलेट करना, ठीक है। तो जैसे तो बॉडी में क्या होता है, बॉडी में हर एक सेल, जैसे ये है हमारा छोटा सा ग्रुप, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो तुम्हें पता है जो एक्टोडर्म होते हैं वो आगे चल के बनाते हैं क्या, हमारी स्किन बनाते हैं और हमारा पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो जब ये सेल अपना बना रहे होते हैं ना, तो जब ये अपनी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ये साथ वाले सेल को भी इंड्यूस करते हैं कि तुम अपना अपना स्ट्रक्चर बनाओ। हर सेल एक दूसरे से कॉम्युनिकेट करता है, अकेले काम नहीं करते, हर कोई एक दूसरे से कॉम्युनिकेट करता है। अब सेल कैसे बातें करते हैं एक दूसरे से, वो सिग्नलिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। तो तुम हायर ग्रेड में पढ़ोगे सिग्नलिंग कैसे होती है, आयन से होती है, केमिकल से होते हैं, बहुत तरीके हैं। तो जब एक सेल दूसरे सेल को बताता है कि देख मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहा हूँ, जा तू दिल बना, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसा नहीं है, तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले सेल ने, जो ये था, ये मेरा ब्रेन बनाने जा रहा था, तो इस सेल ने इसको बोला कि देख मैं ब्रेन बनाने जा रहा हूँ, तू जाके दिल बना, इस सेल को बोला कि तू जाके अब हार्ट के सेल की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दे, तो मैं इसे कहूंगी इसने क्या कर दिया, इंडक्शन कर दिया। सेल ए ने सेल बी के ऊपर इंडक्शन करा, मतलब उसको बोला जा तू ये बना। जैसे तुम दोस्त दोस्त खेलते हो ना आपस में, जो जब तुम खेलते हो तो कैसे करते हो, तुम डिसाइड करते हो किसकी डेन है, फिर उसको बोलते हो ना कि जा भाई तू डेन देगा, हम लोग छुपने जाएंगे, ऐसे होता है ना। यो तो तुमने अपने दोस्त को बोला कि तू टेन देने जा रहा है ना, तो तुमने उसको इंडक्शन कर दी, उसको बताया कि तू क्या करने वाला है, राइट, क्लियर। यस मैम, यो इंडक्शन मैम, कहेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, मदर की वूम में है, उस टाइम पे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन बहुत अच्छे तरीके से कहाँ पर दिखाई जा सकती है, कौन सा एक एग्जाम्पल है तुम्हें बहुत अच्छे से एम्ब्रियोनिक इंडक्शन बता रहा है। सो डेवलपमेंट ऑफ द कोरियन इन ए डेवलपिंग चिक एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर तुम्हें कोरियन की लेयर याद है, बहुत स्टार्टिंग में बनती है और ये कोरियन ही बाद में जाके बच्चे की तरफ से एम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है, याद है तुम्हें, एम्बिलिकल कॉर्ड की सिंथेसिस करता था ये। अगर तुम्हें नहीं याद, तुम्हें ये भी नहीं याद, फिर भी तुमको याद होगा चार लेयर थी, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। एक थी योक सैक, एक था हमारे पास एलन ट्वाइस, एक था हमारे पास क्या नाम था, इसमें बेबी रहता है, एमनियन, और एक है हमारे पास कोरियन। तो कोरियन की जो सिंथेसिस होती है ना, कोरियन की डेवलपमेंट होने लग जाती है और फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनने लग जाती है, तो उसको सिग्नल मिलता है कि चल भाई तू ये स्ट्रक्चर बना, अब तूने आगे जाके एम्बिलिकल कॉर्ड बनाना। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। बाकी सब में भी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहीं ना कहीं हो रही है, ये सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, क्योंकि चिक एम्ब्रियो हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं इन द केस ऑफ मैमल्स, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, तो इसको एज इट इज याद ही कर सकते हो, इतना ही कर सकते हो, ये आना नहीं चाहिए कहीं, क्लियर। बहुत डिटेल में मैंने कराया है, बहुत डिटेल में तुम्हें जरूरत भी नहीं है, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, किसी काम का नहीं, इतना क्लियर है सबको। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, अब रॉन्ग ढूंढना में गलतियां ढूंढनी तो आसान है नहीं इसी में। चलो, जनरली वन ओवम इज रिलीव ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो जब भी क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आता है ना, ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि बिल्कुल माइनर माइनर सा फर्क होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर तुम्हें चार्ट याद है, तो चार्ट के बेसिस पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल लोगे। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला था। अब ना नीट में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको मिलते हैं स्पेशल वर्ड्स, ये वर्ड्स इंडिकेशंस देते हैं आपको कि आंसर होगा। जैसे कि कोई ऐसे बोल दे ओनली, ठीक है, अगर आपका सही है ओनली, या फिर मेरे को वर्ड नहीं सूझ रहा, बताओ भगवान, एम्बूथ नहीं, ओनली एक तो होता है ओनली, दूसरा
सॉरी यार मेरे दिमाग से एकदम से रुक गया, सॉरी। ठीक है, तो जब भी वर्ड ओनली तुम्हें दिख जाए ना, यानी कि ये बड़े बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहा है ये ऑप्शन कि यही आंसर है और कुछ नहीं है, तो जब इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड आ जाए ना तो वो ऑप्शन ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। जनरली वो आंसर निकल सकता है पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुम ये वर्ड ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ट्रिकी होता है। जहाँ पे लिखा है ओनली या जहाँ लिखा हो एक्सेप्ट, ये वर्ड ट्रिकी होते हैं। इवन एनसीईआरटी पढ़ोगे ना जब, अगर कहीं पे ओनली लिखा है या एक्सेप्ट लिखा है, उन लाइन्स को अपने आप अंडरलाइन कर लेना, उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो कुछ वर्ड होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बात समझ आई? अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। जर्नली वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में जर्नली एक अंडा रिलीज होता है, सही बात है? कैलाशो, सही बात है? यस मैम, बिल्कुल। अभी मेंस्ट्रुएशन बेसिकली दे टॉकिंग अबाउट ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुएशन अगर ओनली इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, ब्लीडिंग तब होगी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, ये बात सही है? अभी ये बात सही है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती तो फिर प्रेगनेंसी भी तो ठहर जाती है ना, तो ब्लीडिंग नहीं होती। अगर तुम्हें बाय चांस इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि ओनली लिखा है ना, स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तुम्हें कंफ्यूजन है, तुम इसे होल्ड पे रख लो। ऐसे लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग ना होना फीमेल में, इज ऑलवेज, नाउ ऑलवेज इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, तो तीसरा वर्ड मैं ऑलवेज लिख सकती हूँ। तो कह रहे हैं अगर ब्लीडिंग ना हो उसका हमेशा मतलब होता है कि फीमेल प्रेगनेंट हो, पर ऐसा जरूरी नहीं है। ब्लीडिंग कभी कभी डिले भी हो सकती है, हो सकता है हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है फीमेल एनीमिक हो, अगर खून की उसमें कमी है तो भी ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है, हो सकता है उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, राइट, तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, हमेशा प्रेग्नेंट हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन ऑलवेज विल बी इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ दिस, ये पक्का रॉन्ग है, ठीक है। नाउ द सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज के टाइम पे गोनाडोट्रोफिन की स्टिमुलेशन बढ़ जाती है। फॉलिकुलर फेज का क्या मतलब होता है उर्वशी, प्रिया? प्रोलिफिलेटिव मैम, जब एंडोमेट्रियम की वॉल थिक फिर से बनने स्टार्ट हो जाती है और फॉलिकल भी बड़े होने लग जाते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है, उस टाइम पे गोनाडोट्रोफिन रिलीज होते हैं। कौन से दो गोनाडोट्रोफिन रिलीज होते हैं हर्ष? FSH and LH। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर मुझे गलत ढूंढना था, गलत स्टेटमेंट मुझे मिल गई है, आंसर वुड बी सी, ठीक है, क्योंकि मैं श्योर हूँ ये पक्का गलत है इसलिए मैं जाऊंगी। अगर मुझे कंफ्यूजन होती ना बी और सी में तो ये 50-50% क्वेश्चन होता, मैं इसे छोड़ देती, मैं रिस्क नहीं लेती। पर क्योंकि सी स्टेटमेंट इतनी श्योर हूँ मैं कि हमेशा प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्लीडिंग नहीं है तो प्रेगनेंसी ही है, तो इस वजह से आई नो कि सी आंसर होगा, लेकिन 50-50 वाले क्वेश्चन छोड़ आना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो आउट ऑफ, कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस, एंड अगर ये आता भी तो ये आपको आता कार्डियक सिस्टम के साथ। मुझे नहीं पता कि इन्होंने मेरी जिंदगी कठिन क्यों करी है यहाँ डाल के, और तुम्हारी जिंदगी भी कठिन करी है क्योंकि तुम्हें समझना है, पर ये आउट ऑफ सिलेबस है। दूसरा, इसका एग्जैक्ट आंसर बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ के दो आंसर बनते थे इसके, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड रिलैक्सिन। आई विल गो विद नाइट्रिक ऑक्साइड क्योंकि इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन मुझे मिली है, पर ये क्वेश्चन आ नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर अभी भी डिबेट है कि एग्जैक्टली इसका क्या आंसर होगा, ठीक है, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन है तो आपको करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये बता देती हूँ पहले। तो आफ्टर पार्चुरेशन, जब बेबी डिलीवर हो जाता है, तो तुमने कभी इसे सुना है हाथ नीचे कर लो भाई, सजा थोड़ी मिली है तुम्हें, नीचे करो, ये मैं किसी से नहीं पूछूंगी, नीचे करो। प्रिया चिट्ठी डालू तुझे? प्रिया हाथ ऊपर करके सो गई है, वैसे होते छोटे बच्चे सोते हैं ऐसे हाथ करके, प्रिया वैसे सो गई है। देखो आफ्टर पार्चुरेशन क्या होता है, आपने कभी सुना हो कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना रोने के लिए कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं पता है किसी को? यो मैम, क्यों कहते हैं? यस मैम, रिपीट करना, ताकि उसके मतलब लंग्स जो है वो काम कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके और ऑक्सीजन जाए उसके नोस्ट्रल से। हाँ देखो, जब तक बेबी मदर की वूम में था या मदर की वूम में थी, ठीक है, तो उसके लंग्स काम नहीं करते हैं, उसके लंग्स को काम करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? सारी ऑक्सीजन तो मदर के ब्लड से ले लेते हैं, तो जब ऑक्सीजन मदर के ब्लड से ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड मदर के ब्लड में ही डाल दी, तो फिर लंग्स क्या काम करेंगे? लंग्स का काम यही तो होता है गैसेस एक्सचेंज, जरूरत ही नहीं पड़ती।
सिमिलरली जो हार्ट होता है बेबी का वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं करता, उसको जरूरत नहीं होती। अब अगर तुमको ह्यूमन हार्ट पता है, तुम्हें थोड़ा सा भी याद है, तो तुम्हें ऐसे याद होगा कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, हम चार चेंबर बनाते हैं। यो यो मैम, ये छोटे होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, राइट। डब्बा डायग्राम बनाते हैं हम जर्नली इसका, और हमें पता है कि ये कनेक्टेड होते हैं। हमारे में सर्कुलेशन ऐसी होती है, राइट। यहाँ पे बॉडी से ब्लड आता है, ये हमारा राइट साइड है और ये अपना लेफ्ट साइड है, ठीक है। यहाँ से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, लंग से फिर यहाँ ब्लड आएगा और यहाँ से वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड चला जाएगा। कुछ इसी तरीके का सिस्टम होता है। नाउ व्हाट हैपन इज, बच्चे के केस में क्योंकि ब्लड स्किप कर देता है लंग्स के पास जाना और ब्लड स्किप करता है लीवर के पास भी जाना, ठीक है। वैसे ना ब्लड लीवर के पास भी जाता है पर यहाँ पे स्किप कर देता है, ओके। तो लंग और लीवर का पॉइंट स्किप कर दिया उसने क्योंकि उसको जरूरत नहीं थी, साफ सफाई तो सब मदर खुद ही कर रही थी। तो जो बच्चे का हार्ट होता है उसमें ना ये जो दो एट्रिया, इनको हम बुलाते हैं एट्रिया, तो ये जो दो एट्रिया होती है ना इनके बीच में छेद होता है, एक छोटा फोरमेन कहते हैं इसको, छेद को हमेशा फोरमेन के नाम से जाना जाता है बायो में। तो छोटा सा छेद होता है, तो ब्लड क्या करता है, कुछ नहीं करता है, वो सिंपली यहाँ पर भरता है बॉडी से और सीधा इसके पास चला जाता है काफी हद तक। उसको जरूरत नहीं होती थी क्योंकि वो अगर वो एट्रिया से वेंट्रिकल पे जाता, एट्रिया वन से वेंट्रिकल वन पे जाता, फिर वो उसके बाद यहाँ से निकल के लंग्स पे जाता, पर लंग्स पे जाने की उसको जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन तो उसको मदर के ब्लड से मिल गई। तो इसलिए ये वाले एंट्री पे घुसने से वो अवॉइड करता है, वो सीधा राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया की तरह चला जाता है थ्रू फोरमेन के थ्रू। अब जब बेबी पैदा होता है उस टाइम पे ये जो छोटा सा छेद होता है इसको हील करना पड़ता है, नेचुरली हील भी हो जाता है, ठीक है। तो जो छेद होता है ये बंद हो जाता है नॉर्मली और नॉर्मल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है कि ब्लड राइट साइड से राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा, इनके बीच में लेन देन नहीं होता है। जिनके केस में ये जो छोटा सा छेद हील नहीं हो पाता वो बच्चे होते हैं जो दिल में छेद के साथ पैदा होते हैं। आपने सुना होगा ना पुरानी हिंदी पिक्चरों में अक्सर बच्चों के दिल में छेद होता था, बहुत बड़ा छेद है, ऑपरेशन की जरूरत है। अगर बहुत माइनर होता तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, अभी भी लोग ऐसे पैदा होते हैं, राइट, नॉर्मल सी कंडीशन है। तो ये नॉर्मल है जो होता है। अब क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। After parturition, जब बेबी की डिलीवरी हो गई, ध्यान से सुनना, the major switch over occur in the circulatory system. वो कहते हैं circulatory system में change आता है, switch over हो गया, मतलब change हो गया, पहले के मुकाबले अब कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। ब्लड फ्लो थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड डक्टर एंटीरोसस फोरमेन ओवेल सीजेस। वो कह रहे हैं जो ब्लड फ्लो हो रहा था ना पार्चुरेशन के बाद, वो ब्लड फ्लो, पहले ब्लड फ्लो कहाँ हो रहा था, इसमें हो रहा था, ये बेबी है और ये मदर का प्लेसेंटा है, तो पहले ब्लड फ्लो हो रहा था अम्बिलिकल कॉर्ड में हो रहा था, ये सीज हो गया, बंद हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड पिचक गई, बंद हो गया। डक्टर एंटीरियोसिस क्या होता है, डक्टर एंटीरियोसिस होता है हार्ट से एक वेन निकलती है जो आगे जाती है लीवर के पास होते हुए, ये भी सीज हो गई है, यहाँ से नहीं हो रही अभी। फोरमेन ओवेल सीज, फोरमेन ओवेल क्या है, यहाँ पे बीच में छोटा सा छेद था जो अब भर गया है, तो ये फोरमेन ओवेल भी सीज हो गया, बंद हो गया। एंड द अडल्ट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो स्टार्ट थ्रू हार्ट। अब जैसे ही किसी अडल्ट में दिल में से खून घूमता है वैसे ही एक बच्चे में भी स्टार्ट हो जाता है आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है। तो तीन चीजें बंद हुई, एम्बिलिकल कॉर्ड, डक्टर एंटीरियोसिस एंड फोरमेन ओवेल, ये तीन चीजें बंद हो गई है बच्चे में। ये कह रहे हैं ये जो प्रोसेस हुआ है ना कि दिल का जो छेद है वो भर गया है ना, ये प्रोसेस किसने स्टिमुलेट किया था बेबी के अंदर, जब पार्चुरेशन हुई तो ऐसा क्या हुआ कि बच्चे का दिल का छेद खुद ही भर गया, तो उसका रीजन क्या है, उसका जो सिंपली रीजन है, देखो रिलैक्सिन का कोई लेना देना नहीं है इससे, ये मदर की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का इससे कोई लेना देना नहीं है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड था, प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए था। इसका जो आंसर बन रहा है दैट वुड बी नाइट्रिक ऑक्साइड। एग्जैक्टली इसका क्या रोल है नाइट्रिक ऑक्साइड का, मुझे किसी रिसर्च पेपर में सीरियसली मिला नहीं, मैंने काफी काफी सर्च किया जब से मेरे पास पेपर आया, मुझे कोई रिसर्च पेपर मिला नहीं है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता होगा, वो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता होगा, इसलिए शायद एंटीरियोसिस, डक्टस एंटीरियोसिस सही से काम नहीं कर पा रही, तो शायद ही उसको कॉन्ट्रैक्ट करता होगा, इसलिए वो जो छेद था वो कॉन्ट्रैक्ट होके बंद हो गया, ऐसा मुझे लगता है, पर मुझे कुछ खास पेपर मिला नहीं। तो इसका आंसर है सी, नाइट्रिक ऑक्साइड। सर आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा।
थोड़ा आया क्योंकि हमने हार्ट भी देखो साथ पढ़ा नहीं है तो एकदम समझना मुश्किल है, पर आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि बच्चे के दिल में छेद होता है, जब हम सबके दिल में छेद था जब हम पैदा हुए तो वो भर गया और उसके भरने का वन ऑफ द रीजन है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है ओके मैम चलो नाउ मूविंग ऑन टू द 47 क्वेश्चन, इसके बाद थक गए होंगे लेकिन अब सब इजी आने वाला है। तो राजकुमारी बताएगी द लेडिक सेल्स एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ, तो लेडिक सेल के साथ हमने क्या याद करा था? एंड्रोजन्स राइट। और हमने सटोली सेल्स के साथ क्या याद करा था विशाल? सटोली सेल्स के साथ क्या याद करा था? लेडिक सेल एंड्रोजन रिलीज करते हैं और सटोली सेल क्या रिलीज करते थे? दो चीजें रिलीज करते थे, कौन बताएगा? मैम इंटरस्टीशियल सेल एंड लेडिक सेल। क्वेश्चन ध्यान से सुनना ठीक है, दोबारा बता रही हूँ। लेडिक सेल रिलीज करते हैं एंड्रोजन्स, ये मैंने बताया था, बहुत बढ़िया बात है, ये तुम्हें याद है। सवास सरटोली सेल क्या रिलीज करते थे? दो चीजें रिलीज करते थे। नेहा कुमारी क्या रिलीज करते हैं? सटोली सेल्स क्या रिलीज करते हैं जिसे आंसर आता है ना वो बताओ। नेहा कुमारी, कैलाशो, रुशिल, अनामिका, एक तो इनहिबिन करते हैं और एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करते हैं। ये जिन्होंने बोला है ना FSH and LH, ये मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ, FSH and LH कौन रिलीज करता है? ब्रेन। ब्रेन में कौन रिलीज करता है इसे? रिलीज करती है, समझ में आई? हाइपोथैलेमस रिलीज करती है, मैं बहुत बता चुकी हूँ तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो, समझ आई? तो ये भूला मत करो बार बार, इतनी बार लिखा चुकी अब तो मेरे को याद हो गया, लिखा लिखा के इतनी बार याद हो गया कि मुझे अपने नोट्स भी दिख रहे हैं मैंने कितनी बार लिखवाए हैं। चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सही आंसर हमें ढूंढना है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्योंकि ये बहुत सारे ऑप्शंस देता है आपको, आप जैसे भी सोचोगे उसका ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा, तो स्टेटमेंट हमेशा ऊपर सॉल्व होती है। ठीक है, द रिलीज ऑफ स्पर्म इन टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन इसी को कहते हैं, यस या नो हर्ष? यो यो मैम। सही है, स्टेटमेंट वन सही है। ठीक है रिया, स्पर्मियोजेनेसिस, ध्यान से वर्ड पढ़ना, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम अ स्पर्मेटोगोनिया, सही बात है? नेहा, रुशिल, नो मैम, नहीं, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है ना। तो ये जो वर्ड्स थे ये बहुत करीब थे, इन्हें ध्यान से पढ़ना था, तो स्टेटमेंट ए सही है मेरी, स्टेटमेंट बी मेरी गलत है, अब ढूंढ लेते हैं। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, आंसर वुड बी ए। तो ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि आप जो भी सोचोगे ना उसका आंसर आपको नीचे मिलेगा, तो इसे ध्यान से सॉल्व करना है। और बार बार बोल रही हूँ, ऊपर भी आ चुका है, ये जो टर्म है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ये टर्म को रिवाइज करते रहना, नहीं तो ये भूल जाएगी। ओके चलो अब देखो, मैच तो फॉलोइंग है, करेक्ट वाला आपको मैच करना है। ठीक है जी, तो तनु बताएगी हमें, तनु जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, तो मुझे इतना बता दे जो क्लीवेज होती है वो किस तरीके की सेल डिवीजन है, माइटोसिस, मियोसिस? क्लीवेज, क्लीवेज इज ए यूनिक टाइप ऑफ माइटोसिस, तो बी का आंसर होगा मेरे पास एस। ठीक है, कम से कम दो आंसर हमें करने हैं। ठीक है जी, इम्प्लांटेशन का क्या मतलब होता है रुशिल? नीता, एंडोमेट्रियम में जब ब्लास्टोसिस धर जाता है उसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं, तो डी का आंसर हुआ पी। तो देख लेते, ये अल्फाबेटिकल है तो ये कंफ्यूजिंग है, बी का हमें चाहिए एस, पी है एस, यानी कि ए और सी नहीं हो सकता, ये रहा एस ये रहा एस, और हमें डी का चाहिए पी, डी का पी, डी का पी, अरे दोनों यही है, और ढूंढना पड़ेगा हमें।
इनर सेल बास्ट क्या होते हैं? मोहित पायल पायल दीक्षित राशि आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम ओके हाँ इनर सेल मास वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट करके एम्ब्रियो बनाते हैं इनर सेल मास वो होते हैं जो एम्ब्रियो बनाते हैं उससे हम सब बने हैं है ना तो सी का आंसर होगा क्यू तो सी का क्यू है यहाँ पर आंसर वुड बी बी ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक है तो इसको ध्यान से करना बेटा किसी का ना सिग्नल वीक है उसकी आवाज मुझे मरमर के आ रही है सही से नहीं आ रही तो इसका आंसर है बी इसे ध्यान से करना और ये कंफ्यूजिंग पता कैसे था क्योंकि इसमें सारे के सारे आपको अल्फाबेट्स दे रखे हैं गलत हो सकता है आराम से साइड में सॉल्व कर लेना नो दिस इज अ इजी क्वेश्चन और ये डायग्राम एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पर्म इज शोन इन दिस फिगर आइडेंटिफाई दीज एंड गिवन कैरेक्टरिस्टिक ठीक है तो तुम्हें पहले आइडेंटिफाई भी करना है और कैरेक्टर भी लिखना है तो ए से मेरा एक्रोसोम है और बी से मेरा माइटोकॉन्ड्रियाज है ठीक है जी सब जरा चुप कर जाओ अब देखो ए से एक्रोसोम है बी से माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये तो नहीं है आंसर ए या बी में से एक है ठीक है नाउ तन्वी बेटा माइक बंद कर ले मेरी आवाज सही से नहीं आ रही हाँ थैंक यू सही से आ नहीं रही और डिस्टर्बेंस हो रही है ठीक है जी ओके जिसने आंसर अभी तक नहीं दिया है मुझे अभी तक शीतल फाइनली रेज योर हैंड अप पता भाई एक्रोसोम इट्स एन एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन सही बात है ये सही बात है ये और बी इज बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम ये बात भी सही है No. No, नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं मैम वो स्पर्म को सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट के लिए ओवम से रिलेटेड ओवम से नहीं करते हैं बिल्कुल सही सारे जोक्स बिल्कुल सही बोला इसने क्या नाम है मैम प्रीति प्रीति बिल्कुल सही आंसर दिया उसने कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी देते हैं मूवमेंट टेल की मूवमेंट के लिए वो और किसी चीज के लिए एनर्जी नहीं दे रहे हैं ठीक है तो इन्होंने बोला एनर्जी प्रोवाइड एनर्जी फॉर फ्यूजन ऑफ स्पर्म स्पर्म की फ्यूजन के लिए एनर्जी नहीं दे रहे वो सिर्फ मूवमेंट के लिए एनर्जी दे रहे हैं वो फ्यूज करे ना करे उसकी मर्जी वो जाके सिर टकरा जाए कहीं पे उसको क्या लेना देना है वो सिर्फ मूवमेंट कराता है तो आंसर वुड बी ए ए और बी बहुत क्लोज ऑप्शन है लेकिन आंसर ए होगा ठीक है चलो आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम्प्टी पीस चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन मिलो सही ऑप्शन तुमको ढूंढना है एम्प्टी पी स्टैंड फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अबॉर्शन कराना मेडिकली तो अबॉर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है ठीक है जी तो नेहा कुमारी बताएगी एमटीपी जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के फर्स्ट थ्री मंथ में ही सजेस्टेड होता है ये सही बात है सही है एमटीपी आर यूज एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रीति ये सही बात है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये नो मैम नो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब होता है ऐसी कोई टेक्निक जो प्रेगनेंसी होने से बचाए लेकिन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब अबॉर्शन अबॉर्शन तो प्रेगनेंसी के बाद है ना तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं हो सकता कॉन्ट्रासेप्टिव है प्रेगनेंसी होने से बचाना प्रेगनेंसी होने के बाद का प्रोसेस है एमटीपी तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है इसलिए आंसर गलत हुआ पायल दीक्षित एमटीपी कैन ऑलवेज बी परफॉर्म बाय टेकिंग अ सिंगल डोज ऑफ मिफेप्रिस्टोन सही बात है नो मैम मिफेप्रिस्टोन होता क्या है ये बेसिकली जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड है ठीक है तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रोसेस ही नहीं है नो एमटीपी रिक्वायर्स द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल ये बात सही है हर्ष यो मैम ये सही है तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 आर करेक्ट 1 एंड 4 आंसर वुड बी सी तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है फोर्थ चैप्टर से क्वेश्चन आया ये एमटीपी के ऊपर राइट तो उसको रिवाइज कर लेना द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन ओरल प्रोडक्टिव हेल्थ हां रिप्रोडक्टिव है फोर्थ चैप्टर सो द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो पिल आप ओरली खाते हो
ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है जनरली जो फीमेल लेती है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या डली होती है? तो दीक्षा क्या होगा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन। ओके जानवी क्या आंसर होगा? छवि छवि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। हाँ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक को टिक मत करके आना, दोनों का कॉम्बिनेशन वुड बी द आंसर, राइट। अगर अलग से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होता तब भी आंसर ये होता, तो आंसर वुड बी ये। नाउ सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज नोन एज, नियति क्या कहते हैं रिमूवल ऑफ टेस्टिस को? मैम ए कास्ट्रेशन। आंसर वुड बी डी। टेस्टिस के रिमूवल का टर्म क्या था? वैसेक्टोमी मैम। नहीं ऑर्नी ओसेटम, तुम्हें नहीं पता, मैंने नहीं बताया ओसेटम। मैम क्यूबेक्टोमी नहीं, ओ से होता है ऑर्किएक्टोमी। ऑर्किएक्टोमी और ये रही, लिख लो रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज ऑर्किएक्टोमी। ये है एक टेस्टिस निकालो या दो निकालो, ये टर्म है, ठीक है। वैसेक्टोमी होती है वासा डिफरेंस को टाई करना, ट्यूबेक्टोमी होती है फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देना। अगर तुम सर्जिकली टेस्टिस ही निकाल रहे हो तो वो दैट इज आर्केक्टोमी। आंसर वुड बी डी। इसका आंसर इस क्वेश्चन पेपर में गलत दिया है। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है जो ग्लांस पीनिस होता है, ग्लांस पीनिस के ऊपर जो फोरस्किन होती है उसको काटना। तो ये बहुत सारे कल्चर्स में इस फोरस्किन को काटा भी जाता है, जिसे हिंदी में कतना भी कहते हैं, तो उसको काटा भी जाता है थोड़ा सा यहाँ से ताकि इन्फेक्शन ना हो, ये मैंने बताया था। तो कैस्ट्रेशन का मतलब टेस्टिस का रिमूवल नहीं होता है, राइट। गलत दिया है, इसमें पीछे भी आंसर गलत दिया, ये गलत ऑप्शन है, तो आंसर वुड बी डी। मैम आपने तो फोरस्किन बोला था। तो मैंने फोरस्किन ही बोला, कैस्ट्रेशन का मतलब गलत का बताया, ये तो बता रही हूँ, क्या सुन रही है भाई। ये जो फोरस्किन होती है ना, इसको काटने को हम बोलते हैं कैस्ट्रेशन। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर सी है, लेकिन गलत है। इसका आंसर है ऑर्केक्टोमी, जो इसमें ऑप्शन में नहीं था। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का 53 का आंसर होगा डी, ठीक है। और कैस्ट्रेशन क्या होता है वो मैंने यहाँ लिखा है, रिमूवल ऑफ फोरस्किन, जिसे हम कतना भी कहते हैं, राइट। चलो नाउ इन कॉन्टेक्स्ट टू एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस के कॉन्टेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है इसमें से? नाउ एमनियोसेंटेसिस इज यूजली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 टू 16 वीक प्रेग्नेंट। जनरली इस टाइम पे होता है, सही बात है, इस टाइम पे होती है एमनियोसेंटेसिस। अपने नोट्स अपडेट कर सकते हो उस क्वेश्चन से, इसमें काफी कुछ दिया है। इट इज यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो इंडिया में ये बैन है क्योंकि यहाँ पे गलत यूज होता है, लेकिन फॉरेन में काफी सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन नॉर्मल है। वो इसलिए करते हैं ताकि वो डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे के लिए कौन सी शॉपिंग किया है, लड़की है तो लड़की वाली चीजें लाए, लड़का है तो लड़के वाले लाए। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है दुनिया में, बस हमारे देश में बैन है क्योंकि यहाँ पे गलत यूज हो जाता है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। ये नीट का बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस इज यूज टू डिटेक्ट डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोम तैर रहे होते हैं एमनियोसेंटेसिस में, तो डॉक्टर निकाल के चेक कर सकते हैं डाउन सिंड्रोम है या नहीं बच्चे को, ये यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? पैलेट में कट लगा होना, उसे क्लेफ पैलेट कहते हैं। उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो फिजिकल डिफॉर्मिटी है, क्रोमोसोमल नहीं। तो डी इज इनकरेक्ट वन, हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, आंसर वुड बी डी, ठीक है। बाकी सब चीजें एमनियोसेंटेसिस से कर सकते हो, तो एमनियोसेंटेसिस के साथ अब ये तीन पॉइंट ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में, ओके। तो यो मैम 53 क्वेश्चन का बी ऑप्शन समझा दो। हां 53 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? बी। बी गोनेडेक्टोमी, वो कुछ भी लिखते हैं तुम्हें करने के लिए, टेस्टेक्टोमी भी तो लिखा है, वो वैसे ही लिखा उन्होंने गोनेडेक्टोमी, वो नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करता है वर्ड। नहीं नहीं टेस्टेक्टोमी भी तो नहीं है, कहीं कोई लूजली यूज कर लेता है तो मैं कह नहीं सकती, मुझे ये तो नहीं पता कोई लूजली यूज करता है, लेकिन दिस इज नॉट द प्रोसेस, ठीक है। जैसे टेस्टेक्टोमी है तो ऐसा लग रहा है टेस्टिस के बारे में बात हो रही है, राइट। तो साइंटिफिक वर्ड तो लूज टर्म में कोई यूज कर लो तो मैं कह नहीं सकती, ओके। मूविंग ऑन, बस खत्म होने वाला है, उसके बाद चले जाना।
विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन सी अप्रोच है जो आपको सही एक्शन नहीं बताती कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव का मेन मकसद क्या होता है, किसको बचाना, प्रेगनेंसी, हाँ प्रेगनेंसी होने से बचाना, तो जनरली वो अवॉइड करते हैं कि या तो गैमेट बने ना, बने तो मिले ना, नो कॉन्ट्रासेप्टिव में बैरियर मेथड जो होता है वो फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंशन कराता है, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस जो यूट्रस में डलते हैं वो इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, स्पर्म मोर्टिलिटी को कम करते हैं, सब फीचर होंगे। जो हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, वो स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड करते हैं, ओवुलेशन को प्रिवेंट करते हैं, ये बात भी सही है। वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, जो वैसेक्टोमी है वास डिफरेंस को जो हम टाई कर देते हैं वो स्पर्म बनाने का प्रोसेस थोड़ी रोकती है, वो उसके ट्रांसपोर्ट को रोकती है, सो दिस इज इनकरेक्ट, आंसर वुड बी डी, समझ आया? गुड गुड, बस खत्म होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी, तीसरा क्वेश्चन है वैसेक्टोमी में, इनकरेक्ट है वैसेक्टोमी के रिगार्डिंग, ठीक है। नो स्पर्म अकर इन एपिडिडिमस, वो कह रहे हैं कि स्पर्म जो टेस्टिस से निकलते हैं वो एपिडिडिमस में मिलते ही नहीं है क्योंकि वैसेक्टोमी होगी, ये बात सही है? एपिडिडिमस पहले आता है फिर वास डिफरेंस आता है, तो वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट करके इसको यहाँ पे टाई कर देते हैं, तो इसके आगे तुम्हें स्पर्म नहीं मिलेंगे लेकिन एपिडिडिमस तक तो आएंगे स्पर्म, तो ये तो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ढूंढना था तुम्हें, तो ये आंसर इज बाकी सब ठीक है। इरिवर्सिबल स्टरिलिटी, इरिवर्सिबल इसका अच्छा नहीं होता तो इंसान दोबारा से फर्टाइल हो नहीं पाता। नो स्पर्म अकर इन सेमिनल फ्लूइड, बिल्कुल, तो सेमिनल फ्लूइड निकलता उसमें स्पर्म नहीं होता, वास डिफरेंस इज कट एंड टाइट, यही प्रोसेस होता है वैसे टॉमी का, तो बाकी सब सही है। ओके, क्वेश्चन है जो ये ट्रिकी है, मैं पहले तुमको ये तीन क्वेश्चन कराऊंगी फिर उसमें फंसाऊंगी, पहले इसे कर लेते हैं। द बेजल हाफ ऑफ ए अनियन बल्ब इज रिमूव, ये चैप्टर नंबर 1 है, उससे क्वेश्चन आया है इनडायरेक्टली। द बेजल हाफ ऑफ ए अनियन बल्ब इज रिमूव एंड अपर हाफ इज सोन इन द ग्राउंड, कह रहे हैं कि जो प्याज है हमारा बावला, ये हमारा प्याज, बहुत ही खराब प्याज है ये, तो नींबू जैसा बन गया ये, तो प्याज खत्म हो गया घर में, याद आया, तो ये जो बेजल हाफ है प्याज का, कितने इसको काट दिया हमने, इसको फेंक दिया हमने, कह रहे जो ऊपर वाले इसके लीव्स बचे हैं ना, इसको अपन ने डाल दिया मिट्टी के अंदर, बताओ भैया क्या होगा, बताओ, प्लांट ग्रो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टेम से करता है रिप्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होनी है ना, यहाँ से रूट्स तो इसी से बनने थे, तो ये जो पार्ट हम काट के यही है जो ग्रोथ कराता, तुमने ये काट दिया तो नया प्लांट कैसे आएगा, तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर है, तो आंसर वुड बी बी। ऊपर आते हैं, द डायफ्राम सर्विकल वॉल्स एंड कैप्स, भाई ये ना सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये जो तीनों चीजें होती हैं, ये इनकी खास बात क्या है, दे आर डिस्पोजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, एक्चुअली हम इसको बार बार यूज कर लेते हैं, दे आर रीयूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, इनको वॉश करके दोबारा से बार बार यूज किया जाता है, ये फीमेल यूज करती है एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस नहीं होते, ये सर्विक्स तक लगते हैं, इम्प्लांट्स पे नहीं होते हैं कि यूट्रस में, तो आंसर वुड बी बी, सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अगर एनसीईआरटी पढ़ के किया होता तो हो जाता, अभी ऊपर वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने दर्ज कर सकता है। हमें ढूंढना है करेक्ट डिजीजेस और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्स से जो ट्रांसमिट होती है उन्हें हम कहते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और दूसरा नाम है उनका वेनेरल, वेनेरल डिजीजेस, तो ऐसी डिजीजेस को हम बोलते हैं डैश डिजीज, वन का नाम है वेनेरल, तो ए में वेनेरल, 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 भाई ये तो है नहीं। नाउ जेनिटल हर्प इज डैश डिजीज, अब जेनिटल हर्प्स कैसे होते हैं, दिस इज इनक्योरेबल, इनक्योरेबल है, तो इसलिए इससे बचाव जरूरी है, जैसे एड्स इनक्योरेबल है, या तो ये इनक्योरेबल है, सेकंड का आंसर ये नहीं हो सकता, और सेकंड में दिया नहीं है। स्टरलाइजेशन इन मेल इज कॉल्ड थर्ड वाला, तो स्टरलाइजेशन मेल में क्या कहलाता है, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, दूसरा नाम है वेनेरल डिजीज, ओके, लास्ट क्वेश्चन, और इसपे थोड़ा सा दिमाग खर्ची करेंगे, थोड़ी सी दिमाग खर्ची में, ज्यादा नहीं।
ये है लास्ट पार्ट है फोर्थ चैप्टर का, लास्ट पेज पे लिखा है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ये हमेशा तंग करता है, हाथ नीचे कर लो सारे। गिवन बिलो सम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो लोग कंसीव नहीं कर पाते उनको मदद करने के लिए साइंस ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है। ये वो स्टेप्स हैं, इन विच फाइंड आउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किस में होगा। वो कह रहे हैं इनमें से बताओ किस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सिंपली मतलब है कि गैमेट की फ्यूजन कहाँ होनी चाहिए, आउटसाइड द बॉडी, है ना, इन लैब, चलो लैब में होनी चाहिए, ठीक है जी। तो कौन इससे मैच कर रहा है हमें ढूंढना है, जिस प्रोसेस में फ्यूजन आउटसाइड बॉडी हो वो ऑप्शन करेक्ट है। तो ZIF stand for मैम इसलिए मैं इसको बोलने नहीं देती, मतलब कुछ समझ नहीं आता क्या बोलूं। ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो ज़ाइगोट बना के बॉडी में ट्रांसफर करोगे, हाँ नीता, तो ज़ाइगोट बना के बॉडी में ट्रांसफर करोगे, यानी कि ज़ाइगोट लैब में बना है। तो ये IVF हुआ, IVF का पार्ट हुआ, यस मैम। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सब चुप करो प्लीज, जिसमें जो एग होता है उसके अंदर स्पर्म के इंजेक्शन लगा देते हैं, डायरेक्टली फ्यूजन हो जाती है। ये होता है जब मेल का स्पर्म काउंट लो हो, फिर यहाँ पे ज़ाइगोट बना देंगे और फिर उसको बॉडी में डालेंगे। तो मैं कह सकती हूँ ये भी लैब में हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन लैब में हो रही है, तो ये भी IVF हुआ। AI stand for artificial insemination, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, रेज योर हैंड राशि, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? अ सीक्वेंस कलेक्टिंग फ्रॉम हस्बैंड और अ डोनर इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनटू द वजाइना ऑफ द यूट्रस ऑफ फीमेल। तो मेल के जो सीमन है, ठीक है, उसको निकाल के फीमेल के वजाइना के थ्रू यूट्रस में छोड़ दिया, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुई ना, बाहर नहीं हुई, तो क्या ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा? नो मैम, इट वुड बी नॉट। IUT, ये टी लिखा है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू यूट्रस, एम्ब्रियो को यूट्रस में डालना, यानी फर्टिलाइजेशन लैब में हुआ, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ। गिफ्ट स्टैंड फॉर गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो गैमेट को फेलोपियन ट्यूब में डालना है, यानी स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब में डालना है, ऐसा करना है। तो गैमेट को डाला, फर्टिलाइजेशन अंदर हुई ना, तो ये भी ठीक है। तो मेरे पास बचा ए बी एंड डी, आंसर होगा ए बी एंड डी, आंसर ठीक है। इसका आंसर शायद पीछे गलत दिया था, मुझे लगता कुछ टाइपिंग का एरर है, पर इसको ठीक कर लेना, ए बी डी इसका आंसर होगा, ठीक है। नो मैम। ऑलराइट।